पीहू फिल्म का नाम ज़रूर है, लेकिन पीहू सिर्फ एक 2 साल की बच्ची की कहानी नहीं है। पीहू एक परिवार की कहानी है, मेरी आपकी कहानी है, कपल्स की कहानी है, फैमिली की कहानी है। पीहू के ज़रिए उन बड़े लोगों की कहानी को हमने कहने की कोशिश की है। यू नो, जब लोग कहते हैं फैमिली ड्रामा तो आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ फुल फैमिली, देयर विल बी 3 generations ऑफ अ फैमिली एंड देयर विल बी अ ड्रामा अनफोल्डिंग। विनोद्स मैनेज टू मेक अ सस्पेंसफुल फैमिली ड्रामा यूजिंग जस्ट 1-2-year-old चाइल्ड, एंड आई थिंक दैट इज एन अमेजिंग अचीवमेंट। इट्स समथिंग दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ बिफोर, एंड ही इज मैनेज टू डू इट सो इफेक्टिवली विद इन 90 minutes दैट यू कांट हेल्प टेक योर आइज ऑफ द स्क्रीन एंड यू आर कंप्लीटली इन्वेस्टेड इमोशनली इन द कैरेक्टर। यू वॉन्ट टू नो वट हैपन्स विद हर एंड इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अ होल फैमिली। So, you know, it truly is a unique experience. तो मैं ऐड करूँ तो खाली टाइटल भी जैसे होगा ना, मतलब बच्ची की जैसे टाइटल है ना, पी यू, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिटिल टोन, रिंग टोन टू इट। सो व्हाट वाज द वन रीजन टू कमिंग ऑन द बोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द फर्स्ट फ्रूटफुल कोलैबोरेशन विद यू टू ऑफ यू, सो हाउ वाज इट फॉर यू? अभी तो चल रही है, एंड द मेन इट्स द जर्नी इज जस्ट स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन इन दैट सेंस, बट इट्स ग्रेट टू कम टुगेदर फॉर अ मूवी लाइक दिस बिकॉज वी बोथ फील वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड आई थिंक विनोद हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब, वेरी वेरी टफ जॉब। सो आपसे जानना चाहूंगी कि पीयू एक जो 2 साल की बच्ची पे ये मूवी आधारित है, रियल बेस्ड स्टोरी है, तो कितनी कोई डिफिकल्टीज होती है बिकॉज होल मूवी इज बच्ची ही पोर्ट्रेट करने वाली है, तो क्या कुछ मुश्किल हुई, कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो हमको पता था फिल्म की शूटिंग से पहले कि आप 2 साल की बच्ची के साथ फिल्म कर रहे हैं तो एक बड़ी मुश्किल फिल्म होगी, और ऐसा हुआ भी। लेकिन हमारा जो होमवर्क था, रिसर्च थी, बच्ची के साथ जो वक्त गुजारा था, उसने बहुत मदद की और पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, और हमारे जो क्रू थे वो लगातार ऑन द टूस थे सेट पर, और हम लोग जिस तरह से फिल्म को, हमको पता था कि बच्ची को आप कह नहीं सकते कि ये शॉट आपको ऐसे लेना है, ये शॉट ऐसे लेना है, तो बच्ची जो भी कुछ हमको दे रही थी हम लोग उसको ले रहे थे, और उसको फिर बाद में हमने एडिट पे काफ़ी कुछ उस पर मेहनत किया, तो बच्ची ने जो दिया उसको हमने एज इट इज़ लिया और बाद में एडिट में काम किया। हाँ, कई ऐसे मौके आते थे कि जैसे हम लोग 4 दिन से वेट कर रहे थे, हमको एक छोटा सा सीन चाहिए था जिसमें उसको बच्ची को बोलना है कि उसको पॉटी आई है, और वो हमको मिल नहीं रहा था क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि उसको वाकई पॉटी आए और हम उसको उस तरह से शूट करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि हम लोग जब तक तैयार होते थे तब तक वो कर लेती थी, और हम लोग पेरेंट्स को बताया था कि इसको इस बार जो करना है सेट पे ही करना है, और हम लोग रिलैक्स बैठे हुए थे कि कुछ हो तो रहा नहीं है, सुबह के 5 बजे के आए थे, वेट कर रहे थे कि वो पॉटी करेगी, और 10-11 बज गए, अचानक आवाज़ आई कि मम्मा पॉटी आई है, और सब लोग एक साथ अलर्ट हुए, भागे कैमरे की तरफ, और फिर हम लोगों ने कैप्चर करना शुरू किया और इस तरह से हमको वो सीन मिला। तो इस तरह के सीन्स के लिए जो नेचुरली हो रहा है उसके लिए 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। No, the same thing, you know, when you watch the film and you see the way he's managed to get a 2-year-old to act, I mean, you can't get a 2-year-old to act really because she doesn't know that the camera exists, she can't take direction, but the tremendous way in which he's managed to tell the story and been so flexible about modifying his screenplay along the way to co-write the screenplay with Pihu was just brilliant. और ये फिल्म का एक्सपेक्टेंसी ऑडियंस के लिए भी होना चाहिए। इट्स अ सिंपल फिल्म, यू हैव टू कम देयर एंड लिव द एक्सपीरियंस, इट नॉट लाइक एकदम दे हैव टू कम इन विद द राइट एक्सपेक्टेशन दैट यू आर कमिंग देयर टू रियली वॉच अ 90-minute एक्सपीरियंस। सो आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हर एक मूवी अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बना के जाती है, ये मूवी भी कुछ अलग आई, तो जब सबसे पहले आपके पास ये मूवी आई तो व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन इट? सी, एज एन ऑडियंस, इफ आई रियली लव्ड इट, इट वाज एज ऑफ द सीट for the 90 minutes you're watching it, but at the end of it you felt, yeah, everyone should see this movie. And if you feel that way, then as a producer it's your responsibility to see to it that you make it that way. ab dono se jaan chahunge aap logo ke liye is movie mein kya difficulty rahi? Actually nothing compared to like jaise difficulties Vinod ne encounter kiye film banate hue, aisa kuch so far we haven't had any difficulties at all. Okay, lastly aap 2 साल की बच्ची को देखने के लिए आई है फिल्म, मतलब
جیسے انہوں نے کہا 90-100 منٹ دو سال کی بچی پوری فلم اکیلے اپنے شولڈرز پہ کیسے فلم کو لے کے جا رہی ہے. صرف یہ ایک ایک سینیمیٹک ایکسپیرئنس ہے. اگر آپ کو سنیما کا شوق ہے, اچھی سنیما کا شوق ہے, تو آپ اس بچی کو دیکھیے دو سال کی بچی نے کیسے اس فلم کو ہولڈ کیا. Just take 90 minutes out of your day and spend it on watching Pihu. It'll be well worth it. Simple story hai, bilkul simple kahani hai. It's not a tough watch, it's not a this thing watch. The trailer is supposed to get you where you want to do. Come and watch it. Thank you.